नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं हूं मनमोहन सिंह ठाकुर और छत्तीसगढ़ के लोक रंग में आपके झाराझार स्वागत है। संगवारी हो ग्लिप्स डॉटिंग के माध्यम से हम हर हफ्ता छत्तीसगढ़ के लोक रंग नामक प्रोग्राम करते हैं, जेमा हर हफ्ता एक नवोदित उदयमान प्रतिभाशाली कवि, गायक, लेखक, साहित्यकार मनला आपके सामने रूबरू करवाते हैं, परिचय करवाते हैं, ओकर प्रतिभा से आपला दू चार करवाते हैं। संगवारी हो आज हमारे बीच में वही कड़ी में बैठे हैं मुकेश पटेल जी, जब हम कड़ी में रहे। मुकेश भाई, ग्लिप्स डॉटिन और छत्तीसगढ़ के लोक रंग में आपके झारा झार स्वागत है। बहुत गाढ़ा गाढ़ा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। महानदी के पानी जतका है हमारे, तत्का तो स्वागत है। जी जी मुकेश भाई, तो एक छोटे से परिचय हमारे दर्शक मन। जी 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 मैं हाँ मुकेश कुमार पटेल, मोर जन्म स्थली धमतरी हरे और वहाँ नगर देवी विंध्यवासिनी मंदिर विराज थे। हाँ हाँ। और आपके चैनल के माध्यम से वो विंध्यवासिनी महिला में बहुत प्रणाम करा थे। प्रणाम करा। जी 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 और हमारा धमतरी बड़ा सुंदर शहर है भैया। हाँ। बगल से महानदी गुजरते। हाँ। और बड़ा सुंदर। और धमतरी के बारे में एक चीज बहुत कम लोग जानते, वहाँ गंगरेल धाम है और ये वो है, लेकिन एक बहुत छोटी बात आपला चर्चा करूँ भैया। हाँ, अपन जो छत्तीसगढ़ या राष्ट्रीय स्तर के स्वतंत्रता संग्राम रही थे ना। हाँ। तो वो दौरान जो है हमारे धमतरी जो है राष्ट्रीय स्तर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के केंद्र बिंदु रही थे हमारे यहाँ। हाँ। और पंडित सुंदर लाल शर्मा जी के योगदान रही थे, छोटे लाल बाबू, छोटे लाल श्रीवास्तव जी। हाँ। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे हमारे यहाँ धमतरी से लगे हुए एक कंडेल गांव भलो। जी 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 कंडेल सत्याग्रह हो रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अपन सत्याग्रह की शुरुआत करें। जी 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 तो धमतरी कुरूद आसपास के जितना भी क्षेत्र है, नगरी से हवा। जी 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 है ना। जी वो बहुत मायने में महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत। और आज तो कहे हमारे छत्तीसगढ़ के लोग में तो ही महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद। और हम तो कविता सुनबो कर पहली तो एक छोटे से परिचय जानना चाहो कि धमतरी में तो कतका बड़े परिवार है, विवाह हुआ है कि नहीं, लड़का वाला है कि नहीं। जी जी। और पेशा का है तो शिक्षा का पैसे के। जी 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 मैं हाँ हमारे पूरा छोटे से परिवार है भैया। एक माता जी है, पिताजी गुजर चुके हैं, दो बहन और एक भाई। भाई में मैं अकेला रहता हूँ और पेशा से वैसे शिक्षक हूँ, जेला बहुत प्यार से लोग बाग शिक्षा कर्मी बोलते। जी जी अभी वो तो, जी जी आए वही पेशा बोल के सेवा। जी 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 शिक्षक तो राष्ट्र के निर्माता होते। जी 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 तो मुकेश भाई, छत्तीसगढ़ के लोक रंग में हम कोशिश करते हैं कि कविता के माध्यम से, व्यंग वाला कविता के माध्यम से छत्तीसगढ़ी में कोई ऐसे बढ़िया रचना जगह से दर्शक जो है वो अट्रैक्ट हो सके, खींच सके और आपके प्रतिभा ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में जा सके, ऐसे कोई कविता के हम कवि से निवेदन करते हैं कि सुनाए। तो सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ के लोकरंग कार्यक्रम में ते का सुना था भैया? मोर एक ऑडियो है, ओकर एक बढ़िया एक गीत है। हाँ। मैं चाहता हूँ कि मैं पहली ओकरे से शुरुआत करूँ। स्वागत है। तो ऑडियो कैसेट के एक गीत मैं आपला सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओकर से पहली चार लाइन में छत्तीसगढ़ के वंदना के लिए बोलना चाहूँ। जी सुनिएगा। धर्म के धानी अरपा के पानी और महानदी के लहरा है के बमलई दंतेश्वरी विराजे अति का पावन पखरा है के राज में के स्नान बिहनिया और सरग चढ़ के दुआरी हो तुला देवता माथ नमावत है छत्तीसगढ़ महतारी ओ सोला देवता माथ नवावत है छत्तीसगढ़ महतारी।
तो एक और बात भैया, मैं एक वो गीत शायद आप पसंद आए, के धनहा खेती खार बेचागे हो, जब गांव में शहरीकरण होते, गांव जब शहर बनता है जी, तो गांव के शहर बनने का जो दर्द है, सुनिएगा इन पंक्तियों, बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है। के धनहा खेती खार बेचागे और परदेसिया है गोसान, आधा मठाड़े महल तारी आधा मधुकान, जवरा का गोठिया बेना ये देखल परे है किसान, जवारा का गोठिया बेना कोठी सुनना नंदागे है दान, जवारा का गोठिया बेना। और सुनिएगा, स्वागत स्वागत। कई टागारा पखरा माला दागे और केवेरी छाती भुया के, और पक्का सड़क माँ देख तो न दागे गोड़ के धुर्रा गैया के, के पक्का सड़क माँ देख तो न दागे गोड़ के धुर्रा गैया के, के मेड़े के कांसी नंगरी हाके बासी गोड़ सुहाधे तैहा के, और जी 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 के मेरे के काशी नगरी हके बासी और गोर सुहाते तैहा के, और रुक कटागे सुर तागे गांव के वो अमरिया के, के रुख कटागे सुर तागे गांव के वो अमरिया के, कई मिली बारियों कोई लिकारी हो, मिली बारियों कोई लिकारी अब कहाँ गे गौ के गोठान, अब कहाँ गे है लिम चौरा बिराजे ठाकुर देव भगवान, जवारा का गोठिया बेना ये देखल परे है किसान, जवारा का गोठिया बे। एक अंतर सुना के बिना किसानी भाव जतन भुइया के सिंगार में टागे, और पर बुदिया तोरे माटी सुहागिन देखनी चट बुढ़ागे, के पर बुदिया तोरे माटी सुहागिन देखनी चट बुढ़ागे, के हरियर साज सुहानी सुहाते और मेहनत के रंग भाते, चल जाग नगरिया हो गे बिहनिया माटी तो लागो राते, क्या बात है, क्या बात है, चल जाग नगरिया हो गे बिहनिया माटी तो लागो राते, के माटी के कोरा धान कटोरा हो, के माटी के कोरा धान कटोरा और के है हावे गा सुजान, और अनपुर ना के भरे भंडारा और माटी के बाढ़े मान, जवारा का गोठिया बेना ये देखला परे है किसान, जवारा गोठिया बेना। बहुत बहुत भावनात्मक कल्पना है तो, और बहुत इमोशनल कल्पना है तो, गांव के गोठान, गांव के माटी, गांव के मेड़, गांव के खेत, गांव के बासी, खेत के मेड़, खेत के कांसी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मुकेश भाई। मैं आगे और सुनूं बोला मजा आते तो गीत प्लस। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले मैं तोला तौर से ये जानना चाहता हूँ जी जी, मैं क्या जानना चाहूँ और दर्शक मन जानना चाहते हैं जी जी, ये कविता के क्षेत्र में आए के तौर मन में विचार देखे कौन से समय आई।
एकर प्रेरणा मोला मोर मामा से मिली थी, बहुत अच्छा लिखे, अभी यहाँ बीएसपी में है, इम्प्लाई है, ओला देख देख करके मैं सीखा रहे हूँ, अच्छा लगे। तो शुरू शुरू में कुछ कुछ श्रृंगार में लिखना पसंद करा था, आठवीं में उम्र में श्रृंगार लिखते कभी, और वो श्रृंगार नहीं रही भैया, विभत्स श्रृंगार रही थे जी। तो लेकिन वो शुरुआत रही, हाँ वो शुरुआत हो रही से, लेकिन यदि आप बोलो कि पहली रचना कौन से, तो वो समय के रचना टाइप के रचना नहीं लगा रही से, एक थोक मोर ध्यान में आते नहीं, मैं तो सबसे पहले ये पूछ जी, जी, बोला जी जी कि मामा जी लिख के सीखे जी जी जी, है ना जी, और कौन से उम्र से मतलब लिखे थे? मैं हाँ आठवीं पढ़ा रहे हूँ गुरुदेव, फिर मतलब वो समय से 13-14 साल जी 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 जी, है ना जी जी जी, 13-14 साल के रहे तब से लिखना शुरू करे जी जी जी। तो कविता गति कब पकड़ी, कविता लेखन गीत लेखन के जो गति है वो कब रफ्तार जी जी, वो मोर सौभाग्य रही से, फिर धीरे धीरे करके मोला कुछ मंच से जुड़े के मौका मिले, और फिर लोक कला मंच, फिर रामलीला, जस गीत और विभिन्न सारे, तो उसमें मोला लिखे के बहुत सारा अवसर मिले, और फिर धीरे धीरे करके पहले तो मैं यहाँ झांकी लिखत रहे हूँ, फिर रामलीला में स्क्रिप्ट भी लिखे हूँ दो तीन, तो और फिर धीरे से फिर मोला ऑडियो में भी चांस मिले, तो वहाँ से फिर मोर लिखनी अच्छा, फिर इंटरेस्ट बढ़ता जी 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 धीरे धीरे करके थोड़ा कई कह की प्रतिभा अपन जैसा खुद बना ले जी जी जी, है ना जी, और प्रतिभा भी सब देखो तोला आठवीं कक्षा में तो प्रतिभा रही से कैसे करके कविता लिखे, लेकिन लिखे तो जैसे भी लिखे हो वो उम्र में जी, जी, के कक्षा की उम्र में जी, तो जी, वो जी, कविता के भले टूटा फूटा रहा है, कहीं मेच्योर रहा है, पोते का अच्छा मत है, लेकिन हम सुनबो तो आठवीं में जब पढ़ा थे तो रचनाकार ही थे, हाँ हम सुनना चाहते, वो समय एक रचना लिखे रहे गुरुदेव, वो मोला ध्यान आते बोला मैं आप लोग बता दो, छत्तीसगढ़िया माटी मा संगी बसे हावे भगवान, यहाँ हावे चारो धाम, ऐसन पावन भुया ला करतो पांचो उंगरी के प्रणाम, ऐसा कुछ लिखे रहे हो मैं यार, और दसों उंगली के प्रणाम होते हैं, पांच उंगली लिखे रहे, पांच उंगली के प्रणाम मतलब है ना वाकई में, लेकिन अक्षर ही था जी 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 जी, है ना हाँ। तो ये बताओ क्या बोलते हैं मुकेश भाई अपन, हाँ कि अब के साल हो गए तो कविता लेखन करो, अब मैं हाँ तो अब आठवीं से समझ ले, अब 27 साल हो गए भैया, 27 साल से कविता जी 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 गीत लिखा था जी, 27 साल में से कहाँ पाता सपना भैया, मुला लगते है कि मैं हाँ साहित्य के जैसे सेवा करना रही मुला, हाँ। वो हिसाब से मैं कुछ नहीं कर पा हूँ अभी, बस वही है कि मोर जो लेखन क्षेत्र रही से वो सिर्फ मंचों तक ही सीमित हो गए, कुछ गीत और ये और कुछ झांकी ऐसा टाइप का, ये झांकी का है पहली बार जो जस गीत झांकी होते भी हाँ, जो हाँ जस गीत झांकी झांकी तो में जो सुनाए का झांकी जस गीत हाँ वो एक वो है भैया, वो थोड़ा लंबा हो जाए, मोर दक्ष हो राजा भोला लका पर तेहा बैरी बनाए, राजा दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए हाँ हाँ, और एक द्रौपदी चिरहरण के भी लिखे रहे हूँ मैं, तो सुनाना हम हाँ, सुनबो हम तो सुने पर बैठे हैं हाँ जी, वो झांकी दरअसल पूरा नहीं सुना पाऊँ, कोई बात नहीं, तो हाँ, कोई रचना हाँ, है तेला सुना हाँ, एक आध जी जी, एक गजल मैं यहाँ रख रहा हूँ भैया, एक गजल शायद आप लोग पसंद आए, मैं ईमान मर गया अपनों में दगा होता है, क्या बात, ईमान मर गया अपनों में दगा होता है, जमाना देख के अब तो खुदा भी रोता क्या है, क्या बात, क्या बात, जमाना देख के अब तो
खुदा भी रोता है कि मर गया जी के अनाथ तेरी गलियों में। क्या बात, मर गया जी के अनाथ तेरी गलियों में। लाख मंदिर तेरे बनवाने से क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाख मंदिर तेरे बनवाने से क्या होता है। तिजोरी लुट गई फिर आज कुछ अमीरों की। क्या, तिजोरी लुट गई फिर आज कुछ अमीरों की। गरीब की बद्दुआ में जोर बहुत होता है। गरीब की बद्दुआ में जोर बहुत। और एक आखिरी अंतर सुनाता हूँ। सुना है हमने के नारी को देवी कहते हो। सुना है हमने के नारी को देवी कहते हो। वो कौन है जिसका तूने आज गला घोटा है। क्या बात, वो कौन है जिसका तूने आज गला घोटा है। मोला ये जानना है मुकेश जी, जी तो अभी दूर रचना सुने में जी 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 व्यवस्था के प्रति प्रहार है तो जी 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 प्रयास करता हूँ गुरुदेव मैं कुछ ऐसा लिखूं। व्यवस्था हाँ। तो है ही है, व्यवस्था की शिकायत तो सब है जी जी जी, लेकिन व्यवस्था से कभी कभी जो व्यवस्था से तो हम जूझना है, शिकायत करते हुए भी जीना है व्यवस्था। हर आदमी व्यवस्था शिकायत है आज की डेट में। हाँ तो रचना में व्यवस्था के प्रति अतिक दंश खबर है। बस मोला लगते है गुरुदेव कि यहाँ पे मोला लेखनी चलाना चाहिए, यहाँ पे मोला लिखना चाहिए। हाँ। और वहाँ पे है मैं लिख देता हूँ। तो कल्पना और कौन कौन फील्ड में कौन कौन क्षेत्र में घूमते विचरते। कल्पना तो विचरण करने वाला वस्तु होते जी 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 जी, है ना जी। और कल्पना वाला कोई ठूसे नहीं जाए। हाँ हाँ जी जी जी, मतलब यानी वाला कोई जबरदस्ती करके कल्पना करके लिख ऐसे की। हाँ नहीं बोला जाए, चाहे वो गीत हो, कहानी हो, कहानी हो, उपन्यास हो, स्क्रिप्ट हो, जी जी कुछ भी हो जी जी जी। और कला लेखनी का मतलब कोई भी मतलब रचनात्मक जो वस्तु है चीज है। हाँ हाँ, तेला ठूस के जबरदस्ती करके नहीं करवाया, नहीं करवाया जा सके। तो कल्पना और कौन कौन नार विचर थे, विचरण कहाँ कहाँ कौन कौन क्षेत्र में। हाँ हाँ जी जी जी, मैं हाँ कुछ गायन में रुचि रखूँ और वादन में भी, और कुछ पेंटिंग सेंटिंग भी कर लेता हूँ गुरुदेव थोड़ा बहुत। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोला जी, जी। कविता लेखन में तो कल्पना और कौन कौन फील्ड में विचरण। अच्छा अच्छा, हाँ विधा पूछा था, विधा कौन। अच्छा अच्छा जी 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 जी, बहुत सौंदर्य। हाँ जी 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 जी, मैं हाँ सिर्फ संवेदना में ही कोशिश करता हूँ गुरुदेव, बाकी आज तक कभी श्रृंगार नहीं लिखे हो, ना कभी विरस नहीं लिखे हो। हाँ। बस संवेदना मोला अच्छा लगते तो एकाध को अभी तो व्यवस्था के सुना है जी जी, संवेदना वाला कोई जी 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 एकाध। हाँ हाँ हाँ, हम सुनबो सुनना चाहबो जी जी जी, कुछ ये वाला है। हाँ बड़ी मुश्किल है मुस्कुराना, पर मुस्कुराई जाए। बड़ी मुश्किल है मुस्कुराना, पर मुस्कुराई जाए। चौखट पे खड़ी है खुशियाँ, भीतर बुलाई जाए। चौखट पे खड़ी है खुशियाँ, भीतर बुलाई जाए। अब रोज मर रहे हैं हर शहर बारी बारी। अब रोज मर रहे हैं
हर्ष हर बारी बारी अब रोज मर रहे हैं, हर शहर बारी बारी चलो फिर से एक दुनिया दिल में बसाई जाए। चलो फिर से एक दुनिया दिल में बसाई जाए। एक आखिरी अंतर देता हूँ आपको कि सुना है तू नींद थोड़ी खरीदने चला है, थोड़ी नींद थोड़ी खरीदने चला है। कि सुना है तू नींद थोड़ी खरीदने चला है, कि सुना है तू नींद थोड़ी खरीदने चला है, बिकती नहीं है लोरी जो कीमत लगाई जाए। क्या बात है, क्या बात। बिकती नहीं है लोरी जो कीमत लगाई। लोरी का मतलब ला गया। हाँ जी 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 बिल्कुल। अरे आजकल तो लड़का मन हो टेबलेट धर के खेलत गेम में नहीं पड़ जाते, गेम ला खेलत खेलत मोबाइल घर घर सूत जाते मोबाइल धर के सूत कितना खतरनाक रखे। बोला हमार माँ बाप मन प्यार मतलब लड़का मन समझाना चाहिए कि भाई मोबाइल के अंदर बैटरी होते और मोबाइल चालू करके मुड़ी में सिराना में चपक के नीचे में धर के और तकिया में दबा के सूत के बोला रख के नहीं सूतना चाहिए, ब्लास्ट हो जाते धमाका हो जाते बड़ा दर्दनाक नहीं दर्दनाक और मानता खासा हो जाते बहुत। हाँ नहीं भैया मैं तो सुने हूँ जो बच्चा ज्यादा मोबाइल गेम में बिजी रहते ना ये तंत्रिका होकर काम नहीं करे, उंगली सही काम नहीं करता वो बीमारी हो जाते। वीडियो आ रहा है वो माँ मतलब वो जैसे आदमी शराब पीछे ना जी लगातार शराब के आदि हो जाते और शराब नहीं मिले हाथ गोड़ कांप थे ना जी जी बिल्कुल वैसे टाइप किया ना सर। तो कोशिश करे हमार गार्जियन मन माँ बापन की मोबाइल से लैपटॉप से जितना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम वाला कम से कम मतलब समय बिताए के लिए प्रेरित करे लेकर मल्ला जी जी है ना जी। आगे कहा सुना था भैया एक भजन सुना हूँ। स्वागत। मोर इच्छा है कि आपके चैनल में भजन मोर बिल्कुल 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 चल रहे करके तो ये स्वागत। मेरे भगवान मेरी लाज बचैया आजा, मेरे तन में मन में बसैया जा, के गहरी मझधार में कसती लो रेखाती है मेरी टूटी हुई कश्ती के खेवैया आजा। ओ तुम छुपे कहाँ भगवान मेरे राम आ जाओ, है समय विपत की आज मेरे राम आ जाओ, है समय विपत की आज मेरे राम आ जाओ, लुट रही जगत की लाज मेरे राम आ जाओ, आजा अवध के राजा आजा तू दरस दिखा जा, अवध के राजा आजा तू दरस दिखा जा आजा
आ जा कि रोती है अवध की गलियां तुझे पुकारती, रोती है अवध की गलियां तुझे पुकारती, आजा प्रभु सौगंध तुझे सरियों की धार की, आजा प्रभु सौगंध तुझे सरियों की धार की, आजा प्रभु सौगंध तुझे सरियों की धार की, तेरे भरोसे लाज है पूरे संसार की, आजा अवध के राजा आजा। एक लास्ट पंक्ति कि मर्यादा अब मर गया है मेरे राम मेरे राम, कि मर्यादा अब मर गया है धर्म जल गया, छाया है अंधेरा सूरज भी उगते ही ढल गया, छाया है अंधेरा सूरज भी उगते ही ढल गया, तेरे बनाया आदमी कितना बदल गया, अवध के राजा राजा। बहुत अच्छा मुकेश भाई। ये बता बोला जी कि ते हाँ आदर्श तो बोले कि तो मामा जिला जी ऊपर से सीखे गुरुदेव। अभी मोला तो एक बेसिक सवाल ये जाना है मुकेश जी तो हिसाब से जी तो व्यक्तिगत आए हो जी जरूरी नहीं कि वहाँ चैनल सहमत हो जी या कोई और जो सुना थे देखा थे तो लू सहमत हो जी। 20 साल पहले के कविता लेखन गीत लेखन और अब के गीत और कविता लेखन में का बेसिक अंतर पा सकते हैं तो हिसाब से? अभी कविता लेखन में मोला लगते गुरुदेव मोर विचार है ये कि हाँ ये मोला जो साहित्य जो मिलना चाहिए वो साहित्य नहीं मिले। जैसे मैं गुरुदेव लक्ष्मण मस्तूरिया जी के कभी रचना सुनता हूँ है ना, वो उसमें हमर मंजी से लोगन मन पर बहुत कुछ है सीखे पर, लेकिन आज के रचना में मोला वैसे कुछ नहीं दिखे। या फिर मस्तूरिया जी लक्ष्मण मस्तूरिया जी रामेश्वर वैष्णव जी ये मन तो सब लीजेंड है जी ये मन तो प्रयास करना हम कोशिश करबो जी हमारे प्रयास रे भी तो हम नवोदित प्रतिभा वाला स्टार्टिंग के छत्तीसगढ़ के लोगों के माध्यम से सामने लाए के प्रयास कर सन काबर की बड़े वाला तो आप सुनते आए हो कई सालों से जी नवा जो है आपके जैसे उभरते हुए 27 साल हो गए नवा तो नहीं कह सकता हूँ जी है ना, लेकिन जो 27 साल में जो स्थान प्राप्त करना चाहिए वो आप नहीं मिले हैं जी प्रयास करबो कि छत्तीसगढ़ के लोग स्टार्टिंग के माध्यम से आपके जैसे प्रतिभाशाली लगातार हम मंच दे सकन जी है ना। लक्ष्मण मसूरिया जी की बात करें आप रामेश्वर वैष्णव जी की एवं सब जीवन खपा दी पूरा तो स्वाभाविक है उनका रचना में वो बात तो आगे वजन है ना, वो तो मसूरिया जी के देख के गाना काफी मोशन भी चला गाना काफी धीरे थके हफ्ते मन मोर भाषा संग मोर भाखा वाला एक तो उसका है वो है ना मैं गंगा हूँ हरियाला बहुत पानी पी लो मैं सागर हूँ एक एक बोल पीरा पिछरा लो जी गहरा अर्थ छुपा बहुत 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 ज्यादा मैं गंगा हूँ मोर लहरमन तन मन ला फरियालो पानी पी लो मैं सागर हूँ दुख पीरा पिछरा पिछरा लो बहुत कति बड़े बात है बहुत आगे कहा सुना जी एक एक कविता जिला कभी कहानियों नहीं पढ़े होंगे गुरुदेव आप बिल्कुल स्वागत है और मैं एक दो तीन अंतर पढ़ू है मैं जी एक सुना तो जिंदगी तू कैसी है क्या हाल
हाल है बताना, कि सुना है कि छोड़ दी हो, जाने क्यों मुस्कुराना। गुमसुम सी सहमी बदहाल लग रही हो, लगता है कि देख आई तुम बेरहम जमाना, कि लगता है कि देख आई तुम बेरहम जमाना, कि देखा है क्या अपनों को अपनों से ही डरते हुए, बेटे के ही खंजर से किसी बाप को मरते हुए। देखा क्या ऐसी बस्ती जहां आदमी जिंदा हो, अब शमशान ही नहीं है मुर्दों का ही ठिकाना। क्या बात, जिंदगी तो कैसी है, क्या हाल है बताना। और सुनिएगा, हर सीना जल रहा है किसके लगूं गले से, अरे निकला वही लुटेरा जो लोग ही भले थे, जाने वो कौन थे जो रिश्ते का मोल जाना। अब रिश्ते हैं मतलब के लुटने का एक बहाना। जिंदगी तो कैसी है, क्या हाल है। और एक आखिरी अंतर देता हूँ, कि देखा है क्या फटी आंचल में सिसकती हुई वो गुड़िया। संवेदना दे रहा हूँ। देखा क्या फटी आंचल में सिसकती हुई वो गुड़िया, किसी सुनसान सी गली में टूटी हुई वो चूड़िया, बेबस सी आबरू को लुटते हुए देखा क्या। देखा है क्या बेटियों का बेवक्त ही मर जाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिंदगी तो कैसी है, क्या हाल है बता। बहुत बढ़िया मुकेश भाई, तोर से सुन के तोर साथ बैठ के तोर से बात करके बहुत आनंद आते जी। और तो जो हमारे दर्शक एक इनके तो जो आने वाला जो पीढ़ी है, तो बाद भी नौ पीढ़ी आ जी जी जी, बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। ते मतलब ते का संदेश देना चाहता था हमारे छत्तीसगढ़ के लोक रंग के माध्यम से, ग्लिप्स स्टार्टिंग के माध्यम से। जी, जहाँ तक मैं बोलना चाहूँ इस चैनल के माध्यम से, जो अवैया जो कवि है मेंबर, जी जी जी, मैं यहाँ सिर्फ एक ही संदेश ये देता हूँ कि आप अभी एक चलन हो गए है कि मंच के हिसाब से लिखते आजकल कवि मना, तो मंचों में साहित्य नहीं है, आपको जो लिखना है वो लिखते रहिए, मंच मिले ना मिले, और निश्चित रूप से आप साहित्य की सेवा कीजिए। बहुत बहुत बढ़िया संदेश है, बहुत अच्छी। लिखना जारी रहा है जी, जी मंच मिले, छपाए किताब निकले, यही जरूरी जी 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 जी, रचना के संग्रह जो है वो जरूरी है, वो कवि लाओ आप तो संतुष्टि देते, कांवर की कवि के
लेखक के रचनाकार के ऊपर जो रचना होते कविता होते उनका संतान जैसे जी 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 एक रचना के लेखन के लिए कल्पना के कई दौर से कई मकाम से गुजरना पड़ते सवारे हो। आज मुकेश पटेल धमतरी के कवि शिक्षक के पेशा से और छत्तीसगढ़िया पटेल मरारतपुर जी 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 छत्तीसगढ़िया मरार पटेल गुरुदेव छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया संगवारी हो। और धमतरी तो कई मायने में इतिहास में दर्ज है, हिंदुस्तान के इतिहास में धमतरी से लगे हुए गुरुदेव वहाँ कंडेल गांव है, महात्मा गांधी जी अपने सत्याग्रह की शुरुआत कर दी इसे। और वहाँ गंगरेल है, रुद्री डैम है, अंगार मोती मोरदाई है, विलई माता है, और क्या बोलते हैं अपन एक ठो वहाँ जाते थे क्या बोलते हैं भुला ना जतमई घटा रानी ये अलग ब्लॉक हो जाते गुरुदेव लेकिन धमतरी के तरफ नहीं वो तो इधर पड़ते हो शायद मोर ख्याल से गरियाबंद जिला पड़ते तो धमतरी कई मामले में हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज है। संगवारी हो मुकेश पटेल जी के गीत गजल ला हम सुने संगवारी हो बहुत मजा आई। संदेश विदेश की रचना लिखना जारी रहा है, रचना के लेखन रुकना नहीं चाहिए कोई जी, 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 जी। केवल मंच में बोलना है, कविता ला प्रकाशित करवाना है, उही दृष्टिकोण से अगर लेखक कवि में लिखी तो रचना के लगभग मोर ख्याल से मर्डर हो जाते मंचों में साहित्य नहीं तो मंच में साहित्य नहीं हो सकता। और साहित्य ला जिंदा रखना बहुत जरूरी है जी, 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 तो संगवारी हो साहित्य ला कविता ला जिंदा रखना जरूरी है, कर साथ साथ नवोदित प्रतिभा भी मंच देना जरूरी है। और मंच देवर हमर ग्लिप्स डाटिन छत्तीसगढ़ के लोक रंग के माध्यम से जो है हम एक से एक प्रतिभा आपके सामने हर हफ्ता लाथन। अगले हफ्ते फिर एक नवा प्रतिभा के साथ में छत्तीसगढ़ के लोक रंग ग्लिप्स गार्डन में आपके बीच में आऊं। तब तक आप देखत रहो ग्लिप्स गार्डन और मनमोहन सिंह ठाकुर ला दो विदा। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मुकेश भाई तो बहुत बहुत धन्यवाद आज ग्लिप्स गार्डन में आए हमारे दर्शक मान लो तोर गीत गजल से रूबरू करवाए और हम आभारी हम कितने हमें समय दे जी जी। और मैं तो आपला और आपके चैनल ला बहुत बहुत धन्यवाद दे दूं गुरुदेव, काहे आजकल जो है साहित्य सृजन ओकर पोषण और ओकर संरक्षण ये मुझे लगते है किताबी बातें हो गई हैं, बहुत सारे आलेख लिखे जाते हैं, लेकिन आप और आपके चैनल ये संबंध में क्षेत्र में जमीनी स्तर पे काम कर रहे हो, बहुत धन्यवाद जी जी जी, बहुत धन्यवाद जी। जो चैनल है खासियत ये है कि अपन सामाजिक सरोकार लेके विशेष रूप से जो है वो अलर्ट रहते साधार रहते, और सामाजिक सरोकार चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो या कोई भी क्षेत्र में हो, वो मतलब पीछे हटे के बिल्कुल मतलब प्रयास ही नहीं करे, बल्कि आगे से आगे जिसे हम स्टार्टी ना बहुत से और सामाजिक जो जरूरत है सामाजिक सरोकार है तिहुल भी निभाते हैं हमारे ग्रिप स्टार्टी ना। और आज हमारे ग्रिप स्टार्टी में आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जनता जनार्दन धन्यवाद। तो अगले हफ्ते फिर एक नवा प्रतिभा के साथ मैं मनमोहन सिंह ठाकुर ग्रिप स्टार्टिन के छत्तीसगढ़ के लोक रंग में मिलूं, तब तक आप देखा रहो ग्रिप स्टार्टिन और मनमोहन सिंह ठाकुर ने विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। For exclusive news, keep watching Chhattisgarh's first online news channel and portal.